Hello students, welcome to your biology class for today. So in a previous class we were discussing about the topic transcription. Transcription yani ki DNA se RNA banne ka concept. DNA se RNA bana with the help of enzyme RNA polymerase hai na. तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता था, जाके प्रमोटर से जुड़ता था, फिर आगे बढ़ता था, टर्मिनेटर पे ये प्रोसेस रुक जाता था. ठीक है, प्रमोटर से लेके टर्मिनेटर तक जितना डीएनए है वो आरएनए में कन्वर्ट हो जाता था. ऐसा ही था. अब क्या करेंगे हम. अब मैंने आपको जो आरएनए पॉलीमरेज करवाए थे, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ दोज आरएनए पॉलीमरेजेस. सो अगला क्या है, अगला है टाइप्स ऑफ RNA polymerase. तो क्या क्या टाइप्स है RNA polymerase 1, RNA polymerase 2, ठीक है, एंड RNA polymerase 3. तीन तरह के RNA polymerases हैं जो तीन अलग अलग काम करते हैं. कौन से अलग अलग काम है वो सुनो. आप RNA polymerase 1 is involved in the synthesis of rRNA. What is rRNA? rRNA stands for ribosomal RNA. ये ribosomal RNA बना रहा है. अब ribosomal RNA कितने टाइप के हैं? बहुत सारे टाइप्स के हैं. Like we have 23S rRNA, we have 28S rRNA, we have 5.8S rRNA and we have 5S rRNA. देखो बच्चा, जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है उसने 23 भी बनाया, 28 भी बनाया, 5.8 भी बनाया. ठीक है, उसने बड़े सारे आरआरएनए बनाए बट वो 5S आरआरएनए नहीं बना पाया, क्योंकि 5S आरआरएनए बनाना आरएनए पॉलीमरेज 3 का काम है. 5S आरआरएनए के अलावा दिस विल बी मेकिंग टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए भी बनाए गए. ठीक है, then we have RNA polymerase 2 which is involved in making mRNA. तो हमारे पास अलग अलग तरह के RNA हैं और उनको बनाने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के RNA polymerases हैं. ठीक, समझ में आ गया आपको. अलग अलग तरह के ये जो RNAs हैं क्या करते हैं, क्या करते हैं ये rRNA. अगर मैं rRNA की बात करूं, it stands for ribosomal RNA. This is ribosomal RNA. tRNA क्या चीज है, जो RNA polymerase 3 ने tRNA बनाया ना, ये क्या है. So tRNA जो है it is transfer RNA. And then we have mRNA. क्या है mRNA? mRNA stands for messenger RNA. ये है अलग अलग तरह के RNA. आपको याद रखना है कि इनमें से सबसे छोटा आरएनए जो है, स्मॉलेस्ट आरएनए जो है वो कौन सा है, टीआरएनए. टीआरएनए इज द स्मॉलेस्ट वन एंड एमआरएनए इज द लॉन्गेस्ट वन. ठीक है, राइबोसोमल आरएनए लाइज इन बिटवीन. इनमें से सबसे ज्यादा कौन है, ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा प्रेजेंट है आरआरएनए, अबंडेंट इन नंबर, और सबसे कम प्रेजेंट है एमआरएनए, दिस इज लीस्ट इन नंबर. तो ये चीज याद रखना, किसका साइज बड़ा, किसका साइज छोटा, किसका नंबर ज्यादा, किसका नंबर कम. तो आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए इज ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए इज मैसेंजर आरएनए. राइबोसोमल आरएनए जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं, ट्रांसफर आरएनए बीच में होते हैं और मैसेंजर आरएनए सबसे कम होते हैं. समझ में आया इन आरएनए को कौन बना रहा था. अब बच्चों एक और बात आप लोग जानो कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन हम कर रहे थे ना, उस दिन आपको मैंने डीएनए से आरएनए बना के दिखाया था, है ना. डीएनए से आरएनए तो बन गया था, चेन इनिशिएशन हुई थी, चेन एलोंगेशन हुई थी, चेन टर्मिनेशन हुई थी एंड इट एंडेड अप इन मेकिंग व्हाट, इट एंडेड अप इन मेकिंग आरएनए, राइट. Now the story is कि RNA तो बन गया, but कौन सा RNA बना. DNA से जब RNA बनता है तो उस RNA को hnRNA कहते हैं. Why? देखो समझाते हैं आपको मैं एक चीज. देखो DNA में ना genes होते हैं, ये तो आपको पता है, but DNA जो है ना उसमें दो तरह के genes हैं. कौन से दो तरह के genes हैं वो, what
two sort of genes are present. Some are known as exons and some are known as introns. What are these now? What are these exons and what are these introns? कुछ exons हैं, कुछ introns हैं, कुछ exons हैं, कुछ introns हैं. ठीक है? Alright? This is DNA which is having exons as well as introns in it. ठीक? अच्छा जी. अब क्या होगा देखो. पहले तो ये exons introns हैं क्या? Exons are coding sequences. ये वो sequences हैं DNA का वो part है जो कि कुछ बना रहा है. Exons are coding sequences and what are these introns? Introns are non-coding sequences. ये कुछ नहीं बना रहा. Exons कुछ बनाता है और introns कुछ भी नहीं बनाते हैं. Exons are coding sequences. They code for something. Introns are non-coding sequences. कुछ भी नहीं बनाते हैं. ठीक है? आगे देखो. आगे बढ़ो. DNA से बन गया हमारे पास क्या? RNA. RNA बनाना है. अब RNA जो यहां से बना, इसके पास जो RNA बना उसका नाम है hnRNA. What does this hnRNA stands for? It stands for heterogeneous nuclear RNA. What is this now? What is this heterogeneous nuclear RNA? Heterogeneous मतलब अलग अलग तरह के. Hetero means different, homo means same. है ना? तो hetero means different, homo means same. तो different है ये. यानी कि इसमें भी exons और introns हैं. इसमें भी exons और introns हैं. अगर introns कुछ बनाते ही नहीं हैं, मतलब वो non-coding हैं. Introns कैसे हैं? Introns are non-coding sequences. अगर बच्चों introns ने कुछ बनाना ही नहीं है, फिर उनको रखने की जरूरत क्या है? मतलब उनको हटाना पड़ेगा, बिल्कुल हटाना पड़ेगा. तो अब हम देख लेते हैं introns को हटाने का प्रोसेस. अब जो चीज होगी यहाँ पे, जो भी काम यहाँ पे होगा, उसको बोलते हैं post transcriptional modifications. पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में अब की बार आएंगे कुछ चेंजेस. पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन क्या चेंज आएंगे? hnRNA, हेटरोजेनस न्यूक्लियर RNA है. सबसे पहली चीज ध्यान से देखना है इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे से क्वेश्चन आता है. सबसे पहली चीज बचाओ, ये जो RNA बना है इससे क्या बनेगा? RNA जो है इससे प्रोटीन्स बनने हैं. DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है. प्रोटीन बनाने के लिए प्रोटीन फैक्ट्रीज यानी कि राइबोसोम्स की जरूरत है. ये आपको पता है बात कि प्रोटीन बनाने के लिए तो प्रोटीन की फैक्ट्रीज जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं उनकी जरूरत पड़ेगी. फिर क्या करें? फिर किया ये जाए कि राइबोसोम्स के पास इनको ले जाया जाए. अब ये प्रेजेंट कहां है? ये जो RNA है, ये जो DNA है, ये तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है. DNA और RNA तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है. राइबोसोम जो है वो बैठा है साइटोप्लाज्म में. दैट मींस ये जो hnRNA बना है इसको साइटोप्लाज्म के पास जाना है. साइटोप्लाज्म में जाएगा तभी तो वहां पे राइबोसोम्स मिलेंगे. राइबोसोम्स की हेल्प से ये प्रोटीन बनाएगा. RNA विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स विल बी मेकिंग प्रोटीन, बट RNA इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. तो ये वहां जा रहा है, साइटोप्लाज्म में जा रहा है ये RNA. अब ये RNA जो है वो साइटोप्लाज्म में जाके राइबोसोम को पहचानेगा कैसे? देखो ये रहा RNA. It has exons and introns. It has exons and introns present in it. देखो जो 5 प्राइम एंड है इस पे लगती है एक मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की क्या क्या लग गया यहाँ पे? यहाँ पे लग गया मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या.
और इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज कैपिंग. किसकी कैप लगी? 5' एंड पे बच्चों मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप लगी. और इस कैप का क्या फंक्शन है? ये कैप जो है, दिस कैप विल बी अटैचिंग टू और विल बी रिकॉग्नाइजिंग द राइबोसोम्स. तो यही बात है, आरएनए को राइबोसोम्स के पास जाना था, राइबोसोम्स के पास जाके इस आरएनए को प्रोटीन्स बनाने थे. अब राइबोसोम तो साइटोप्लाज्म में रहते हैं जबकि आरएनए न्यूक्लियस में रहता है. तो न्यूक्लियस से जब ये साइटोप्लाज्म में गया तो राइबोसोम्स को इसने पहचाना विद द हेल्प ऑफ मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट कैप. ऑलराइट ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है? फिर से एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स है. ठीक है, वी हैव एक्सॉन्स एज वेल एज इंट्रॉन्स. इस साइड पे मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट कैप है और ये 5' एंड है ना, 5' एंड पे मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट कैपिंग होती है. सिमिलरली जो 3' एंड है इस पे एक बहुत लंबी टेल होती है. ठीक है, बहुत लंबी टेल है इस पे, इसको बोलते हैं पॉलीएडेनाइलेशन. टेलिंग, दिस इज व्हाट, दिस इज पॉलीएडेनाइलेशन टेलिंग. डीएनए से आरएनए बना, एचएनआरएनए. एचएनआरएनए में एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स थे, हेटरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए है उसका नाम. फिर 5' एंड पे कैप लगाई जिसका नाम मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट कैप है. फिर 3' एंड पे कैपिंग लगाई जिसका नाम पॉलीएडेनाइलेशन टेलिंग है. अब टेलिंग करने की क्या जरूरत थी? टेलिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी. क्यों? ये जो टेल है, ये टेल है, दिस टेल प्रिवेंट आरएनए फॉर्म न्यूक्लियस. न्यूक्लियस नाम के एंजाइम्स होते हैं जो कि इस बेचारे को, इस प्रोटीन को, सॉरी इस आरएनए को तोड़ सकते हैं. तो इस आरएनए को उन डिग्रेडिंग एंजाइम से बचाने के लिए न्यूक्लियस की जरूरत पड़ गई. क्लैरिटी है ये बात? यहां तक आपको समझ में आई? डीएनए में थे एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स थे. एक्सॉन्स चाहिए, इंट्रॉन्स नहीं चाहिए. सबसे पहले इसको एचएनआरएनए में कन्वर्ट किया. एचएनआरएनए जो है उसमें एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों है. 5' एंड पे मिथाइल कैप लगाई, 3' एंड पे टेल लगाई, कैपिंग हो गई, टेलिंग हो गई. नाउ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस का लास्ट स्टेप व्हिच इज नोन एज स्प्लाइसिंग. कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लाइपिंग? स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग इज द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स. लास्ट में आपको इंट्रॉन्स को भी तो रिमूव करना है, और इंट्रॉन्स को रिमूव करने का काम किसने किया? अब आपके पास क्या बच गए? सिर्फ स्प्लाइसिंग के बाद इंट्रॉन्स रिमूव हो गए. इस आरएनए के पास सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस यानी कि एक्सॉन्स बच गए. ये आपको पता है कि यहाँ पे मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट कैप है और 3' एंड पे एक बहुत लंबी पॉलीएडेनाइलेशन टेल है. तो प्रोसेस था स्प्लाइसिंग, किसकी हेल्प से हुआ? दिस अकर्ड विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइसियोसोम्स और एसएनआरएनए, जिसको हम स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं. उन्होंने स्प्लाइसिंग करी यानी कि रिमूव किया इंट्रॉन्स को. अब की बार जो आरएनए हमें मिला, इस आरएनए के अंदर तो सिर्फ एक्सॉन्स है. दिस आरएनए विद ओनली एक्सॉन्स इन इट इज नोन एज एमआरएनए. वो एचएनआरएनए था यानी कि हिट्रोजिनस, यानी कि दो अलग अलग तरह के आरएनए. अब एमआरएनए बन चुका है यानी कि मैसेंजर आरएनए बन चुका है. आया समझ? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन समझ में आई? अब ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस हैं, ये सिर्फ कहां होती हैं? ये सिर्फ यूकेरियोट्स में होती हैं. प्रोकेरियोट्स में ये मॉडिफिकेशंस नहीं होती. क्यों नहीं होती? बिकॉज प्रोकैरियोट्स कह रहे हैं हमारे पास तो इंट्रॉन्स है ही नहीं. इंट्रॉन्स नहीं है तो स्प्लाइसिंग मत करो, बट राइबोसोम को पहचानना है तो कैपिंग कर लो, नहीं कर रहे हैं. टेलिंग कर लो, नहीं कर रहे हैं. क्यों नहीं कर रहे? जानते हैं क्यों नहीं कर रहे. पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन विल बी अकरिंग ओनली इन, मैंने क्या बोला आपको, ओनली इन यूकेरियोट्स. तो देखो
यूकेरियोट्स की ट्रांसक्रिप्शन और प्रोकेरियोट्स की ट्रांसक्रिप्शन में क्या डिफरेंस? यूकेरियोट्स से यूकेरियोट्स में ना एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ना एक डीएनए है, डीएनए से ही क्या बनता है, डीएनए से ही आरएनए बनता है। राइबोसोम्स बैठे हैं यहाँ, यहाँ बैठे। अब इस आरएनए को न्यूक्लियस से बाहर आके राइबोसोम से मिलना। प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल भी नहीं। प्रोकैरियोट्स में कोई कंपार्टमेंट ही नहीं है, यही डीएनए है, यही से क्या बन जाएगा? देखो एक चीज देखो, ये डीएनए है, डीएनए के बाद ना यहीं से ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या निकल रहा होगा, ये वाला क्या है, आरएनए। और अभी आरएनए निकल ही रहा है कि इस पे क्या चिपकना शुरू भी हो गए हैं, राइबोसोम्स। मतलब कि अभी ट्रांसक्रिप्शन खत्म भी नहीं हुई और राइबोसोम्स चिपक भी जाते हैं, आरएनए बन के कंप्लीट भी नहीं हुआ, राइबोसोम्स वहां जुड़ के ट्रांसलेशन करने भी लग जाते हैं। तो यहाँ पे पहला डिफरेंस देखो इनकी ट्रांसक्रिप्शन के अंदर कि ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन बनना, राइबोसोम की एक्टिविटी ट्रांसलेशन वही है ना, आरएनए से प्रोटीन बनना। ट्रांसलेशन स्टार्ट्स वंस ट्रांसक्रिप्शन इज कंप्लीटेड, वंस ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाए तभी ये स्टार्ट होता है। और ये ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अगर साइमल्टेनियसली एक साथ ही जा रहा है, वहां से आरएनए बनी जा रहा है, उसी आरएनए पर राइबोसोम चिपक के क्या बनाए जा रहे हैं, प्रोटीन्स बनाई जा रही हैं। और नो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, इसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कह रहा है कि हमारे पास, सॉरी दिस इज यूकेरियोट्स, यूकेरियोट्स में तो भाई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल की जरूरत है, तो इसके अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस आ देयर, ठीक है, इसके अंदर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस आर एब्सेंट। व्हाई? देखो एक तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या नहीं है, एब्सेंट एज दे डू नॉट हैव इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स ही नहीं है। अब इंट्रॉन्स ही नहीं है अगर तो स्प्लाइसिंग क्यों करनी है, नहीं जरूरत है ना स्प्लाइसिंग करने की, स्प्लाइसिंग करनी ही नहीं है प्रोकैरियोट्स ने, ठीक है। और पॉलीडाइमराइजेशन टेल की जरूरत जो थी वो इनको इसलिए पड़ी क्योंकि इनको न्यूक्लियस से बाहर आना था और बाहर के एंजाइम इस आरएनए को तोड़ सकते थे, यहाँ पे आरएनए को कहीं बाहर थोड़ी आना है, वो वहीं रह रहा है, वहीं रह रहा है ना, तो वो कह रहा है हमें टेलिंग की, हमें किसी तरह की मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। फिर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है वो दोनों दो अलग अलग जगहों पे होती हैं। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो सेम कंपार्टमेंट में एक ही जगह होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसक्रिप्शन, अब हम क्या पढ़ेंगे, वी विल बी मूविंग ऑन टू ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे टीआरएनए और जेनेटिक कोड, तो फटाफट से टीआरएनए देख लेते हैं क्या है। टीआरएनए एक अलग सा टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो टी इन टीआरएनए स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए किसको ट्रांसफर करना, आरएनए की जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटीन की फॉर्म में ट्रांसफर करना है, ठीक है। ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन यानी कि आरएनए से प्रोटीन बनाना, तो आरएनए की फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको ट्रांसफर करता है इनटू द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, इसलिए ट्रांसफर आरएनए। इसके अलावा दिस इज आल्सो नोन एज एडैप्टर आरएनए, इसको एडैप्टर आरएनए भी कहते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो टीआरएनए है ना वो स्मॉलेस्ट आरएनए है, सबसे छोटा आरएनए है, ठीक। देन अगर हम इसकी 2D शेप की बात करें, 2D में अगर हम इसको देखें बच्चों,
तो 2D में इट हैज क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर. क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्वेश्चन आ जाता है ये वाला. क्लोवर लीफ एक ऐसी लीफ है जिसके तीन पार्ट्स हैं. तो इट हैज व्हाट? इट हैज क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर. और अगर मैं बात करूं 3D की, 3D की अगर मैं बात करूं तो 3D के अंदर बच्चों, 3D के अंदर इट इज हैविंग इन्वर्टेड एल स्ट्रक्चर है इसका 3D में. ऐसे ऐसे उल्टा है, ठीक है. तो इसका नाम क्या है, इसको क्या क्या कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, ये सब आपको पता चल गया. सिंगल स्ट्रैंडेड है क्या ये? बिल्कुल सिंगल स्ट्रैंडेड है, बट इसका शेप कुछ ऐसा है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि ऐसा लगता है जैसे कि डबल स्ट्रैंडेड है. देखो इसका शेप, टीआरएनए जो है इट लुक्स लाइक दिस. टीआरएनए ऐसा दिखता है. ठीक है, एक एन थोड़ा सा बड़ा है, एक एन थोड़ा सा छोटा है. तो एक्चुअल में ये सिंगल स्ट्रैंडेड ही है. यहां से स्ट्रैंड शुरू होगा, यहां से स्ट्रैंड शुरू हुआ, ठीक है. और वो इस तरह से फोल्डेड है कि वो डबल लग रहा है. आपस में ही स्ट्रैंड जो है वो क्या बना रहे हैं? बॉन्ड्स बना रहे हैं. देखो इस तरह से लाइक दिस, आपस में ही जो स्ट्रैंड्स हैं वो बेस पेयरिंग कर रहे हैं. बट आपको यहाँ पे दिख रहा है कुछ जगहें, जैसे कि ये वाली जगह, ये वाली, जैसे कि ये वाली जगह, ये वाली जगह, यहाँ पे बॉन्ड्स नहीं बने हैं, यहाँ पे इस तरह से लूप्स बनी है. व्हाट आर दीज लूप्स? क्या है ये लूप्स बच्चा? लूप्स वो जगह है, लूप्स वो जगह है जहां पे कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही है. क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा न्यूक्लियोटाइड है जो कि अफेक्टेड है, जो कि सही नहीं है, जिसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है. तो व्हाट इज अ लूप? सो इट्स अ प्लेस वेयर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट मेड. हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही नहीं बन पाए. व्हाई? Because of the presence of a defected nucleotide. एक defected nucleotide की presence के कारण यहाँ पे loop बन गई है. एक ऐसी जगह है जहां पे hydrogen bonding नहीं हो पा रही है. Hydrogen bonding क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि यहाँ पे defected nucleotides presence है. It's a place where hydrogen bonds are not made. Why are hydrogen bonds not made? Because of defected nucleotides. उन जगहों को क्या कहा? उन जगहों को लूप्स कहा, ठीक है. अब ये है पहला, तो ये है. क्या नाम है इसका? इसका नाम है डी लूप. व्हाट इज डी लूप स्टैंड फॉर? डी लूप स्टैंड फॉर डाई हाइड्रोक्सी ड्यूरासिल लूप. डी लूप जो है ना वो डाई हाइड्रोक्सी ड्यूरासिल लूप है. क्यों इसका नाम डायहाइड्रोक्सी यूरासिल लूप है? यहाँ पे कोई डिफेक्टेड न्यूक्लियोटाइड होगा? बिल्कुल है. यूरासिल की जगह पे यहाँ पे डायहाइड्रोक्सी यूरासिल है. यूरासिल होना चाहिए ना, बट यूरासिल में डिफेक्ट आ गया और डायहाइड्रोक्सी यूरासिल बन गया. इसी वजह से यहाँ पे एक लूप बन गई है. ये जो जगह है दिस इज ऑल्सो नोन एज अमाइनो असाइल सिंथेटेज साइट. इसको अमाइनो असाइल सिंथेटेज साइट भी कहा गया. क्यों इसको अमाइनो असाइल सिंथेटेज साइट कहा गया? क्योंकि वो जगह है ये जहां पे अमाइनो एसिड्स की एक्टिवेशन हुई. इट्स अ प्लेस वेयर व्हाट हैपेंड? एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड. दिस इज डी लूप, डायहाइड्रोक्सीयूरासिल लूप और अमाइनो सेल सिंथेटेज साइट. ये वो साइट है जहां पे किसकी एक्टिवेशन हो रही है? जहां पे अमाइनो एसिड्स की एक्टिवेशन हो रही है.
क्यों अमीनो एसिड्स को एक्टिवेट करना है? बच्चा प्रोटीन बनाने का प्रोसेस पढ़ने वाले हैं ना, तो ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हैं, विच इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोटीन, और प्रोटीन बनाने के लिए आपको अमीनो एसिड्स ही चाहिए. ऑलराइट, प्रोटीन्स बनाने के लिए और क्या चाहिए आपको? राइबोसोम्स चाहिए. अमीनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन्स बनाएंगे, उनको मिलकर प्रोटीन्स बनेगा. कौन बनाएगा? राइबोसोम्स बनाएंगे. किससे देख के बनेगा? एमआरएनए के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही तो प्रोटीन बनेगा. अब ये एक लूप है यहां पे, दिस इज नोन एज एंटीकोडोन लूप. इसका जो सीक्वेंस है इट इज एंटी, ये उल्टा. किस से उल्टा है इसका सीक्वेंस? इसका सीक्वेंस जो है वो एमआरएनए के सीक्वेंस से उल्टा है. एंटीकोडोन लूप की हेल्प से ही वो किससे जुड़ेगा? एमआरएनए से जुड़ेगा. डी लूप, डायहाइड्रोक्सी यूरेसिल लूप में वो किससे जुड़ रहा है? अमीनो एसिड को एक्टिवेट कर रहा है. उसमें डिफेक्टेड अमीनो एसिड, डिफेक्टेड न्यूक्लियोटाइड है जिसका नाम डायहाइड्रोक्सी यूरेसिल. नाउ वन लूप इज प्रेजेंट एट दिस साइड, इसका नाम है टी लूप. This is T loop or T psi C loop. ठीक है, T psi C loop में psi क्या बताओ? Psi over here stands for pseudo uracil. Pseudo uracil. तो यहां पे एक defected nucleotide है. क्या नाम है उसका? Uracil की जगह pseudo uracil. और हमें पता है कि आरएनए में थाइमीन तो होता ही नहीं है. आरएनए में थाइमीन की जगह यूरासिल होता है. यहाँ पे तो थाइमीन भी है. थाइमीन की प्रेजेंस होना भी तो एक डिफेक्ट है. आरएनए में तो थाइमीन होता ही नहीं है. आरएनए में तो थाइमीन की जगह यूरासिल होता. सो वन इज थाइमीन, अदर इज सुडो यूरासिल. ठीक है, देखो ये जो सुडो यूरासिल है सी लूप में, ये किससे जुड़ेगा? दिस इज अ प्लेस वेयर दिस विल बी अटैच टू राइबोसोम्स. बच्चा राइबोसोम्स नहीं तो प्रोटीन बनाना था ना, तो टीआरएनए राइबोसोम से जुड़ा इस जगह से, टी लूप से. एमआरएनए को देख के बनाना है, एमआरएनए को जुड़ा इस जगह से, और अमाइनो एसिड ही जुड़ेंगे तो प्रोटीन बनेगा. तो अमाइनो एसिड को एक्टिवेट यहां पर किया, बट अमाइनो एसिड जुड़ेंगे यहां पर. What site is this? This is amino acid binding site. ये जो है ये amino acid binding site है. बताओ समझ में आया? We have different sites over here. We have different sites in this tRNA. Also this tRNA is soluble in NaCl. NaCl में सॉल्युबल होने के कारण हमने इसको क्या कहा? NaCl में सॉल्युबल होने के कारण हमने इसको सॉल्युबल आरएनए भी कहा. एडैप्टर आरएनए कहा, सॉल्युबल आरएनए कहा, स्मॉलेस्ट आरएनए कहा, ट्रांसफर आरएनए कहा. इसमें अलग अलग साइट्स हैं, इसमें अलग अलग लूप्स हैं. लूप्स क्यों बन गए? क्योंकि अमीनो न्यूक्लियोटाइड्स डिफेक्टेड था. फिर एक अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है, एक डी लूप है, एक टी लूप है, एक एंटीकोडोन लूप है. आर वी डन विद टीआरएनए? टीआरएनए हमने कर लिया. अब टीआरएनए तो हमने कर लिया. ट्रांसलेशन करने से पहले हम एक और चीज करेंगे, चीज का नाम है जेनेटिक. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड में वो क्या बोल रहा है? देखो न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं? हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर? देयर आर ओनली फोर न्यूक्लियोटाइड्स. व्हाट फोर न्यूक्लियोटाइड्स? एडेनिन, थाइमिन की जगह यूरासिल, गुआनिन एंड साइटोसिन. यही है. अमाइनो एसिड्स कितने? अमाइनो एसिड्स 20 है. 20 अमाइनो एसिड्स ज्यादा है. बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं. चार न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं हमारे पास और 20 हमारे पास अमाइनो एसिड होते हैं. नाउ द स्टोरी इज कि न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि आरएनए, आपको पता है न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे तो आरएनए बनता है, और अमाइनो एसिड मिलेगा तो प्रोटीन बनता है, है ना? एमआरएनए से प्रोटीन बनना मतलब न्यूक्लियोटाइड्स को अमीनो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट होना. अब ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो अमीनो एसिड में कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे? सोचने वाली बात है. जो डीएनए से आरएनए बनना तो समझ में आया था क्योंकि डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बना था और आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बना था.
बट आरएनए से प्रोटीन बनना समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आरएनए न्यूक्लियोटाइड से बना और प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने हैं, ठीक है। तो फिर न्यूक्लियोटाइड से अमाइनो एसिड्स की, न्यूक्लियोटाइड्स में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है उसको अमाइनो एसिड्स में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है उसकी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं और मिलके अमाइनो एसिड बना देते हैं। देखो किस तरह से न्यूक्लियोटाइड मिलके अमाइनो एसिड बनाते हैं, हम ये चीज अब डिस्कस करेंगे। ऐसा लगा कि दो न्यूक्लियोटाइड्स मिलके, कितने, टू न्यूक्लियोटाइड्स विल जॉइन टू फॉर्म वन अमाइनो एसिड, टू न्यूक्लियोटाइड्स विल जॉइन टू फॉर्म वन अमाइनो एसिड। पहले न्यूक्लियोटाइड, पहली जगह पे कितने न्यूक्लियोटाइड आने की पॉसिबिलिटी, चारों में से कोई भी आ सकता है और दूसरी पे भी चारों में से कोई भी आ सकता है, फिर तो भाई 16 अमाइनो एसिड्स पॉसिबल है। अगर दो न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक अमाइनो एसिड बनाते हैं तो 4 × 4 = 16 अमाइनो एसिड्स ही पॉसिबल है, बट अमाइनो एसिड्स तो 20 होते हैं। दैट मीन्स दो नहीं बल्कि तीन न्यूक्लियोटाइड्स, 3 न्यूक्लियोटाइड्स विल ज्वाइन टू मेक वन अमाइनो एसिड। फिर पॉसिबिलिटी बन पा रही है? हाँ जी बिल्कुल बन पा रही है। अगर तीन न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक अमाइनो एसिड बनाएंगे, मैं 4 यहाँ लिखूंगी 4 × 4 × 4 विल बी मेकिंग 4 × 4 = 16 अमाइनो एसिड्स, 64 अमाइनो एसिड्स बनते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। दैट मीन्स जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। जेनेटिक कोड जो है वो कैसा होता है? वो ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट यानी कि तीन न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं और एक बनता है, तीन न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे और एक अमाइनो एसिड बनेगा। प्लीज रिमेंबर जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट। समझ में आया? Three nucleotides will make one amino acid. Now, what three nucleotides will be making which amino acids? कितने सारे nucleotides हैं, कितने सारे amino acids हैं? तो उसके लिए एक box आपको draw करना है, ठीक है? इस box के आपको 4 rows और 4 columns बनाने हैं। U, C, A, जी, इस साइड पे भी यू सी ए जी, चारों न्यूक्लियोटाइड्स लिख देने हैं। और ये जो है इसमें आपने यू सी ए जी लिख लेना, ठीक है? हर बॉक्स में यू विल बी फिलिंग इट लाइक दिस, यू सी ए जी, यू सी ए जी एंड यू सी ए जी। इसी तरह से आप इसको फिल करेंगे। देखो यहाँ पे यू है तो विल बी राइटिंग यू एंड यू। इस बॉक्स के सारी साइड यूज है ना, और यहाँ पे क्या लिखोगे? यू सी ए जी। बस इसी तरह से आपको अलग अलग से बॉक्सेस को फिल करते जाना है। और कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन से न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनके बारे, मतलब अमाइनो एसिड्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए? देखो बच्चों, UAA, पहले तो AUG, AUG जो है इट कोड्स फॉर मीथियोनीन, एंड मीथियोनीन AUG जो है इट्स अ स्टार्ट कोडोन। जब भी प्रोटीन बनना शुरू होगा, जब भी ट्रांसलेशन शुरू होगी तो वो स्टार्ट कोडोन से शुरू होगी। इसके अलावा देयर आर 3 स्टॉप कोडोन्स, जब भी ट्रांसलेशन स्टॉप होगी तो वो इन 3 कोडोन्स पे आके ही स्टॉप होगी। शुरू के लिए कितना कोडोन है? एक इकलौता कोडोन है जिसका नाम मीथियोनीन यानी कि AUG है। स्टार्ट के लिए भी है स्टॉप कोडोन, क्या क्या है? UAA, UAG, UGA, UAA, UAG एंड UGA, दीज आर 3 स्टॉप कोडोन्स। एंड स्टॉप कोडोन की क्या कहानी है? ये कोई भी अमाइनो एसिड नहीं बनाते, दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। ये कह रहे हैं हम कोई भी अमाइनो एसिड बना ही नहीं सकते। UAA इज ऑकर, UAG इज
amber, and UGA is opal. Ochre, amber, opals. किसके नाम है? UAE, UAG और UGA के नाम है. AUG over here stands for methionine. आपको जो है ये सारे by heart होने चाहिए. किसका नाम ochre है? किसका नाम amber है? किसका नाम opal है? ये सब आपको आना चाहिए start codon में. और stop codon में, stop codon में आपको methionine के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, इकलौता AUG है जो मिथ्योनिन के लिए कोड करता है. इसके अलावा हमने जब बीमारी की फिजिकल सेल एनीमिया किसमें, जेनेटिक्स में, तो आपने तब सीखा था GAG जो है इट स्टैंड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड, GUG जो है इट स्टैंड्स फॉर वैलिन. GAG जो है ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता है और GUG जो है वो वैलिन के लिए कोड करता है. AUG is methionine, stop codon. UA, UAG, UGA is stop codon. GAG is glutamic acid and GUG is valine. ये सारा आपको पता चल गया, समझ में आई ये सारी चीजें. इसके अलावा और भी हैं, tryptophan है हमारे पास, बड़े सारे amino acids हैं, but आपको ये जो मैंने आपको लिखवाए हैं ये तो जरूरी आने चाहिए. उसके अलावा आपको एक और आना चाहिए, triple U. ट्रिपल यू जो है इट स्टैंड्स फॉर फिनाइल एलानीन. ठीक है, ये सारे जो है ये आपको लर्न करके रखने हैं. ठीक, हो गया जेनेटिक कोड. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज और फीचर्स ऑफ अ जेनेटिक कोड, फीचर्स ऑफ अ जेनेटिक कोड. देखो क्या फीचर्स है जेनेटिक कोड के. पहली बात तो जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट. ट्रिपलेट का क्या मतलब, तीन न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक अमाइनो एसिड बनाते हैं. सेकंड, जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस. मतलब अनएम्बिगुअस मतलब देखो अनएम्बिगुअस, अन मतलब नहीं और एम्बिगुअस मतलब कंफ्यूजन, मतलब अनएम्बिगुइटी है, मतलब कोई भी कंफ्यूजन नहीं है जेनेटिक कोड में. क्या मतलब है इसका, वन कोड्स फॉर सेम अमाइनो एसिड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, कोई कंफ्यूजन नहीं है इन ऑल ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल जैसे GAG जो है वो ग्लूटामिक एसिड है काउ में, तो वो ह्यूमन में भी ग्लूटामिक एसिड ही होगा. GUG जो है वो एक में अगर वैलिन है तो वो दूसरे में भी वैलिन ही होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए. ठीक है, देन डीजेनरेसी क्या होता है, डीजेनरेसी का मतलब वन अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन. मतलब जैसे सीरीन है जैसे यहां पे क्या आएगा, पहले आप ये यू लिख देखो और ये सी देखो, तो यू सी और UCAG, ये चारों के चारों जो है दे आर कोडिंग फॉर सीरीन. दैट मीन्स ग्लोटा सीरीन इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन. UCUB सीरीन, UCC भी सीरीन, UCA सीरीन, UCG भी सीरीन. ये बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अकेला सीरीन के ही बहुत सारे कोड्स हैं. ऐसे वो कहते हैं डीजेनरेसी दैट वन अमाइनो एसिड दैट इज वन सीरीन इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन. ठीक, जो अमाइनो एसिड्स हैं दे आर रिटन इन अ नॉन कॉन्टिगुअस फैशन में अमाइनो एसिड्स लिखे जाते हैं. मतलब कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है, सॉरी कंटिन्यूटी है, नॉन नहीं आएगा यहाँ पे. इट्स रिटन इन द कॉन्टिगुअस फैशन, कोई कॉमास कोई फुल स्टॉप्स नहीं है, सिंपली आपको देख लेना. There are no punctuation marks, कोई full stop, कोई comma इनमें देखने को नहीं मिलता.
ठीक है, ट्रिपलेट है, अनएम्बिगुअस है, डिजेनरेसी है, क्वांटिपस फैशन में लिखा जाता है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे और फिर उससे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आई एस लैकोपेरॉन. देन वी विल बी स्टडिंग अबाउट Human Genome Project and DNA fingerprint. Alright? So that is it for the day. All the best. Study hard. Thank you so much. Bye-bye.